मुंबई से निकली पंढरपुर भक्तों की टोली। भक्तों की टोली में डिब्बे वाले भी हुए शामिल। बड़ी मात्रा में देश और दुनिया भर से पंढरपुर आते हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के सुदूर इलाके से यात्रा में आते हैं भक्त। मुंबई से निकली पंढरपुर के श्रद्धालुओं की टोली। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित पांडुरंग विठ्ठल मंदिर महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। भीमा नदी के किनारे इस मंदिर को महाराष्ट्र का काशी कहा जाता है। श्रद्धालु मंदिर के किनारे इसी नदी में पवित्र स्नान करते हैं और बाद में विठोबा के दर्शन के लिए जाते हैं। आषाढ़ के पावन महीने में पूरे माह पंढरपुर की यात्रा का आयोजन किया जाता है। एक महीने तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। न सिर्फ महाराष्ट्र के दूरदराज इलाके से बल्कि देश और दुनिया भर से श्रद्धालुओं का यहाँ आषाढ़ के महीने में आवागमन होता है। पंढरपुर के अध्यात्म का अपना अलग इतिहास है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आने के बाद अलौकिक सहानुभूति प्राप्त होती है। अलग अलग गांव से हम लोग एकत्र आए हैं और ये डिंडी हमने 7 साल से शुरू किया है। हम लोग ये बड़ा आपको जो टेम्पो दिख रहा है वो टेम्पो में हम लोग जाते हैं। आज रात इधर से निकलेंगे अभी और सुबह 8 बजे तक हम लोग पंढरपुर में पहुंच जाएंगे। पंढरपुर में पहुंच जाने के बाद हम लोग लाइन में लग जाएंगे। फिर लाइन में हम लोगों सब लोगों को 30 तास लगता है, कभी 20 तास लगता है, कभी कभी 35 तास। हम पहले साल में गए थे तो हमको 34 तास लगा था विठ्ठल जी के दर्शन के लिए। और जब भी हम लोग थकान महसूस कर रहे थे, हम पूरा इमारत चढ़ के वापस नीचे आए और पांडुरंग परमात्मा का दर्शन होने के बाद हमारी सब थकान दूर हो गई। हमको इतना आनंद मिला, बहुत आनंद मिला, क्योंकि वारकरी संप्रदाय ऐसा है, वो आनंद के सिवाय, भक्ति के सिवाय, प्रेम के सिवाय दूसरा कुछ देता ही नहीं है। इसीलिए वारकरी संप्रदाय भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ का नज़ारा काफी खास होता है और इस दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पंडुरी और विठोबा की जो आध्यात्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार यहाँ आने पर श्रद्धालुओं को विठोबा की मूर्ति के जरिए श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। मुंबई से भी इसी तरह एकजुट होकर अलग अलग जत्थे में लोग पंढरपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। अंधेरी के साथ बंगले स्थित शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करके यहां से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे के साथ मुंबई के डिब्बे वाले भी पंढरपुर की यात्रा के लिए रवाना हुए। इसके लिए मुंबई के डिब्बे वालों ने 2 दिन का अवकाश भी लिया है ताकि वो इस 2 दिन में पंढरपुर जाकर विठोबा के दर्शन कर सकें। ये पंढरपुर की यात्रा है और ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी एक यात्रा है जिसे हम प्रभु परमात्मा कहते हैं, विश्व का जनिता कहते हैं और संतों ने जो मार्गदर्शन हमें दिया है वो महाराष्ट्र की सब जनता ये पंढरपुर की यात्रा में आषाढ़ी एकादशी में अपना वक्त निकाल के, कोई लोग 1 महीना के लिए पैदल चल के जाते, कोई 2 दिन के लिए जाते, कोई 1 दिन के लिए जाते, लेकिन महाराष्ट्र की बहुसंख्या जनसंख्या ये पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के निमित्त बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के पंढरपुर में जाते हैं और जगह से लोग पंढरपुर में आते हैं। ये बहुत बड़ी एक यात्रा है और एक पर्वणी है और सब लोग अपना मानसिक तनाव भूलने के लिए, सांसारिक जीवन में जो जीते हैं उनको एक परमार्थिक सोच, एक परमार्थिक जीवन जीने का आसरा पंढरपुर जाने के बाद ही मिलता है। हर वर्ष पंढरपुरला जातो, तेथे आम्ही दर्शन घेतल्यावरती आम्हाला समाधान वाटते आणि आम्हाला एन्जॉय करायला मिळते आणि बाबाचं दर्शन घेतल्यावरती एकदम समाधानाने आम्ही राहतो आणि जाताना सगळं व्यवस्थित पार सगळे आमची व्यवस्था करतात आणि आमचे बाबा ग्रुपचे लोक सगळे व्यवस्थित आम्हाला
ठीक ठाक घेऊन जाते, सांभाळून नेतात। इस यात्रा में दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले भक्त विठोबा के भजन रस में डूबकर गाते बजाते अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। और यात्रा के समापन तक पंढरपुर में भक्तों के विहंगम दृश्यों का नजारा आम रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ राजेश्वर विश्वकर्मा और अनुज चौधरी, इन24 न्यूज़, मुंबई।